हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रूपा और आज मैं आ गई हूँ पॉमफ्रेट फिश करी के रेसिपी के साथ। हाँ, आज मैं बनाऊंगी पॉमफ्रेट फिश करी विथ सनराइज प्योर मस्टर्ड पाउडर। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनते हैं बंगाली स्पेशल पॉमफ्रेट फिश करी विथ सनराइज प्योर मस्टर्ड पाउडर। लेट्स बिगिन। पॉमफ्रेट फिश करी विथ सनराइज प्योर मस्टर्ड पाउडर बनाने के लिए मैंने ले लिया है पॉमफ्रेट फिश और इसको बहुत अच्छे से धो के क्लीन करके इसके ऊपर से ऐसे कट लगा लिया है। अभी इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ मसाले। ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, ऐड कर देंगे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल 1/2 टीस्पून ऐसे, और अभी सारे चीजों को फिश के साथ साथ बहुत अच्छे से कोट कर देंगे। फिश हमारी बहुत अच्छे से मसाला से कोट हो गए हैं, तो अभी इसको बस 5 मिनट के लिए रख दीजिए, उसके बाद फिश करी तैयार करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं और फिश हमारी फ्राई होने के लिए एकदम रेडी है। तो चलिए अभी सनराइज प्योर मस्टर्ड पाउडर के पेस्ट तैयार कर लेते हैं। मैंने ले लिया है सनराइज प्योर मस्टर्ड पाउडर के पैकेट और उसके अंदर से अभी ले रही हूँ 1 टेबल स्पून, और इस 1 टेबल स्पून सनराइज प्योर मस्टर्ड पाउडर के अंदर अभी ऐड करूंगी पानी और इसका एक थिक पेस्ट तैयार कर लूंगी। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। देख लीजिए, सनराइज प्योर मस्टर्ड पाउडर के पेस्ट अभी हमारी एकदम रेडी है, लेकिन इसको अभी 10 मिनट के लिए रेस्ट होने दीजिए, तो उससे मस्टर्ड पाउडर के जो थोड़ा सा कड़ुआपन रहते हैं वो चले जाएंगे और रेसिपी में बहुत ज़्यादा स्वाद आएंगे। तो 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट होने दीजिए। तो इस टाइम में चलिए फिश को फ्राई कर लेते हैं। देख लीजिए, मैंने पैन चढ़ा दिया है और अभी ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। ऑयल हमारी गर्म हो गए है तो अभी ऐड कर देंगे फिश और फिश को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिश हमारी एक साइड से फ्राई हो गए है तो इसको भी पलट देंगे ऐसे, और दूसरे साइड को भी सेम प्रोसेस में फ्राई कर लेंगे। फिश हमारी फ्राई हो गई है तो अभी इसको निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस में दूसरे फिश को भी फ्राई कर लेंगे। दूसरे फिश भी हमारी फ्राई हो गए थे, इसको भी निकाल लेंगे। फिश को मैंने निकाल लिया है और उसी सेम ऑयल में ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून कलौंजी, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और साथ ही साथ ऐड कर देंगे एक स्मॉल साइज का टमाटर एकदम फाइनली चॉप किए हुए। ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, मिला देंगे और अभी ऐड कर देंगे पानी। पानी ऐड करने के बाद पानी में उबाल आने दीजिए। पानी में उबाल आ गए है तो इस टाइम में ऐड कर देंगे 4-5 ग्रीन चिली। ऐड कर देंगे फिश जिसको मैंने फर्स्ट में फ्राई कर लिया था ऐसे। फिश को मैंने ऐड कर दिया है और अभी ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए कुक कर लीजिए। 5 मिनट हो गए है, देख लीजिए ग्रेवी हमारा बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो गए है, तो इस टाइम में ऐड कर देंगे सनराइज प्योर मस्टर्ड पाउडर के पेस्ट ऐसे ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद बस 2 मिनट के लिए इसको बॉईल कर लीजिए। अभी ऐड कर देंगे थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स चॉप किए हुए और गैस को बंद कर देंगे। मेरी पॉमफ्रेट फिश करी विद सनराइज प्योर मस्टर्ड लीजिए। मेरी पॉमफ्रेट फिश करी विद सनराइज प्योर मस्टर्ड पाउडर अभी एकदम रेडी एंड सर्व्ड। कैसी लगी मेरी ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी ना तो मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इतने अच्छे अच्छे रेसिपीज के नोटिफिकेशन के लिए नीचे बेल बटन को भी दबा देना। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।